फिरोजाबाद के टूनला नगर में नगरपालिका की भूमि पर दबंग द्वारा किया जा रहा अवैध कब्जा, शिकायत पर एसडीएम ने गठित की जांच कमेटी। दरअसल पूरा मामला थाना टूनला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन के पीछे का है, जहां पर नगरपालिका की पुरानी जमीन पड़ी हुई है। आरोप है कि एक नगरपालिका की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने एसडीएम टूनला डॉक्टर बुसरावानो से शिकायत की। एसडीएम के निर्देशन पर नायब तहसीलदार अनीश कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी द्वारा मौके पर जमीन की पैमाइश की जा रही है। इस मामले को लेकर ईओ टूनला का कहना है कि जब जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहां पर नगरपालिका का खत्ताघर था और पहले भी इस जमीन पर अवैध कब्जा हटवाया जा चुका है। देखिए टूनला से गुलाब सिंह की खास रिपोर्ट। साहब, जो रॉयल गार्डन के पीछे नगर पालिका की जगह है, वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? चूँकि नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड था, स्थानीय डंपिंग ग्राउंड था, उसमें कूड़ा आता था, माफिया द्वारा भेजा जाता था। अब उनका कहना यह है कि यह हमारी जमीन है, तो हमने इसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा हुआ है। इन्होंने टीम गठित कर दिया, तीन सदस्यीय लेखपाल और नायब तहसीलदार की, तो उनके द्वारा पैमाइश किया जाएगा। पैमाइश करने जो जगह हमारी निकलेगी उस पर हम गठित करेंगे।